अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल ढाबा स्टाइल बिल्कुल। तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं चॉप्ड वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। आई हैव अनियंस चॉप्ड, आई हैव कोरिएंडर चॉप्ड, फिर मेरे पास टमाटर है एक चॉप्ड मीडियम, मेरे पास कड़ी पत्ते हैं, मेरे पास दो ग्रीन चिलीज हैं जिनको मैंने बीच से स्लाइस कर दिया है। मसाले में मैं शामिल करूँगी आज नमक, मैं रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, चाट मसाला है, कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है और गरम मसाला है। साथ में कसूरी मेथी भी है मेरे पास जो मैं एंड में डालूंगी दाल का जब मसाला तैयार हो। मसाले में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल होगा, दोनों मैंने 1 टेबलस्पून ईच लिया है थोड़ा हीप करके। तो क्योंकि मेरी दाल है 1.5 कप तो उस हिसाब से ये सही रहेगा। दाल में एक मैगी क्यूब भी शामिल होगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हम एक मैगी क्यूब डाल के शामिल करेंगे। दाल को मैंने ओवरनाइट सोक किया था, उसके बाद मैंने उसको प्लेन पानी में बस उबाल लिया है देगची में, एंड द दाल इज़ कम्प्लीटली रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ उठा के, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो वो बिल्कुल टूट रही है मेरी फिंगर्स में। तो अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, जब मसाला तैयार हो जाएगा दूसरे पॉट में तो फिर मैं उसमें दाल शामिल करूँगी। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने ऑयल हीट कर लिया है पैन में, इट्स अराउंड 3 टेबलस्पून। उसके बाद जो पहली चीज़ें मैं अपने पैन में डालूँगी वो है फ्राई होने के लिए वाइट ज़ीरा साबित, कड़ी पत्ता और दो हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच से स्लाइस कर दिया ताकि वो पॉप ना करें उसमें जाके पैन में। मेरा पैन इस वक्त मीडियम हीट पे है, जब ज़ीरा और कड़ी पत्ते की फ्रेग्रेंस आने लगती है मतलब वो फ्राई हो रहा है अच्छे से, तो इसी में हम प्याज शामिल कर देंगे। अब मैंने इसको बहुत छोटा चॉप किया है, प्याज का जब कलर चेंज होगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। प्याज का कलर चेंज हो रहा है, अब सफ़ेद हो गया है, ट्रांसल्यूसेंट लग रहा है अब, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से पहले ताकि गार्लिक और जिंजर जाते ही पैन में जलने ना लगे। जिसमें पोर लिटिल बिट ऑफ वाटर, जिंजर पेस्ट, ये हमारा गार्लिक पेस्ट। ये सब अब साथ फ्राई करते हुए मैंने अपनी हीट बिल्कुल हाई कर ली है चूल्हे की ताकि ये अच्छे से हाई हीट पर फ्राई हो जाए, और हम इसको स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अनियन अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, जिंजर गार्लिक भी शामिल हो गया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर भी, एक मीडियम टमाटर यहाँ पे मैंने चॉप किया था, इतनी क्वांटिटी डाल के दे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ी देर टमाटर डालने के बाद हम इसको कवर लगा देंगे, एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स हम मसाला इसमें डालेंगे, थोड़ा सा टमेटो सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को अब कम करेंगे, मीडियम पे ले आएंगे ताकि ये अच्छे से मसाला कुक होता रहे, और हम इसको स्टर करते रहेंगे साथ में। हमारा मसाला बिल्कुल डन है, बिल्कुल तैयारी पे है। अब हम इसमें सिर्फ डालेंगे अपनी कसूरी मेथी और फिर उसके बाद इसमें चने की दाल हम शामिल कर देंगे। ठीक है, मसाला रेडी है, इसमें अब हम अपनी दाल शामिल करेंगे। दाल में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी है जिसमें दाल उबली थी तो वही पानी हम इसके साथ अंदर डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी है, ज़रा ड्राई नहीं रहेगा फिर अगर आप पानी भी उसी में साथ साथ डाल देंगे तो। फिर बाकी हम इसको टेस्ट हम इसका चेक करेंगे, मतलब कि विल चेक फॉर सॉल्ट, हम देखेंगे अगर हमें और नमक डालना होगा तो हम डाल लेंगे। स्टार्ट हमने 1 टीस्पून नमक से किया था क्योंकि हम इसमें एक मैगी क्यूब भी शामिल कर रहे थे और उसमें भी नमक होता है, तो फिर हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। दाल डालने के बाद हमने इसको स्लो हीट पे रखा हुआ है थोड़ा, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ताकि मसाला पूरे दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए।
मैं इसको थोड़ी देर कवर कर दूंगी, लाइक 5 मिनट्स ये अपना दम पे रहेगा। इन द मीन टाइम मैं इस पर गार्निश के लिए आई एम गोइंग टू पुट हरा धनिया, तो धनिया चॉप चॉप का है, आप गार्निश के तौर पे इस पर डाल दें। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल गल चुकी है, बट थोड़ा सा मैं इसको इससे जो है ना घोट दूंगी ताकि बिल्कुल साबित साबित जो दाल है थोड़ी वैसी ही ना रहे, बिल्कुल हल्का सा आई एम जस्ट गोइंग टू इसको मैं थोड़ा सा मीडियम जैसे वो कह लें घोट दूंगी, पूरी तरह इसका शेप नहीं ख़त्म करना है बट हल्का सा ताकि बिल्कुल साबित भी ना लगे। सो हम इसको यूँ कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग रेसिपीज़ का भी पता चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।